बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो। जी। बोलिए। हाँ जी, अपना नाम जी, बता गुरु जी दीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी। हाँ 10 फरवरी, जी, 59। 59। हाँ जी, 59 टाइम बताइए। 4:35 शाम के सर। 16:35 शाम के। कहाँ का जन्म है आपका? सर नियर राजस्थान का है सर। अजमेर। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा सर कवलजीत कौर है। कमलजीत कौर। हाँ जी, कमलजीत जी, मैं देख रहा हूँ आपका कर्क लग्न है, कुंभ राशि मालूम है आपको। हाँ जी सर, ये तो यह एक कोई कह रहा था कि मीन लगन है। अगर आपका टाइम आपने मुझे दिया 4:35 शाम का दिया आपने मेरे को, हाँ शुभ जी, शुभ। एक मिनट एक मिनट, मुझसे मुझसे गलती हो रही है शायद। 4:35 PM लिखा ना आपने? हाँ हाँ जी, शाम का हाँ है। PM ही लिखा है 4:35 का, तो हाँ मुझसे जी, गलती नहीं हो रही। मीन लगन तो नहीं बैठता वो, कर्क लगन बैठता है हाँ जी, आपका। हाँ जी, कर्क लगन ही है सर। वो एक हाँ को दिखाया मैंने, इनका कर्क लगन और सर कुंभ राशि। कुंभ राशि है। अच्छा हाँ जी, जी, कुंभ राशि पे शनि की साढ़े 7 चल रही है, पता है आपको? नहीं सर, ये तो आपके तो सर मेरे को 10 साल बाद दर्शन हुए हैं सर। उसका तो आपका पहले बहुत प्रोग्राम देखती थी। अच्छा ये तो अब 10 साल बाद आपके दर्शन हुए, अचानक प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा चलो अच्छा सर को कॉल करें। चलिए, बाबा कृपा करें। हाँ, कृपा करें। हेल्थ का बताइए, हेल्थ क्या चल रहा है? हेल्थ तो सर ठीक ही नहीं रहती हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा। इस कुंडली हाँ में छठा भाव आपको खराब बैठा हुआ है, हाँ बृहस्पति जी, माली के छठे भाव का, और ऐसा मालिक अच्छा बैठा है पंचम घर के अंदर, तो अच्छा नसों में दिक्कत, हड्डियों में दर्द की शिकायत, मोटापा हो जाए, सांस फूल जाए, क्या दिक्कत चल रही है? सर, ये तो है। अभी तो सर मेरा 19 में सर ऑपरेशन हुआ, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ये तो सर किसी हाँ ने नहीं बताया। हाँ और तो बीपी, शुगर, ये थायराइड, तो बीमारियां बहुत है सारी सर। हाँ मैं सबसे ज्यादा परेशानी है, मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा है। इतनी टेंशन है, मतलब जो विचार, नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा है सर। उससे छुटकारा चाहती हूँ सर। देखिए, आपका लगन का मालिक चंद्रमा बैठा है अष्टम घर के अंदर, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है ये, अच्छा तो जी, ब्रेन के अंदर हाँ समस्या पैदा करे, मन को खराब करे, कष्ट पैदा करे, बेवजह की टेंशन पैदा करे। हाँ जी, तो आपने बेवजह मोती क्यों नहीं की। पहनते हैं आप, एक अच्छा सा मोती? मोती सर पहना था सर, वो सूट ही नहीं करा आपने सर। काफी टाइम पहले एक मोती और पुखराज बताया था सर, 1.25 रस्सी का, हाँ जी वो पहना था सर। उसके बाद मुझे कोई वो ही नहीं हुआ है। बहुत घर में टेंशन क्लेश बहुत हुआ है। अब आप सर मुझे थोड़ा सा बताओ कि मेरी टेंशन दूर। घर में ना तो कोई सुख शांति है, ना मांगलिक कार्य हो रहे हैं, बहुत रात भर नींद नहीं आती सर। देखिए, आपको एक तो ये करना पड़ेगा, शनि की जाप करने पड़ेंगे आपको। शनि की जाप आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि की 7.5 हट जाएगी और शनि मार्केश है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी हुई है, ये अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और मोती तो पहनना पहनना होगा, अगर आप मानसिक कष्ट दूर करना चाहते हैं तो 1.25 से ऊपर का मोती, 1.25 से ऊपर का पुखराज, और एक माणिक्य या मूंगा, दो में से एक ले लें 7.5 का, इतना पहनेंगे आपको लाभ मिलेगा, तरक्की होगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कष्ट खत्म हो जाएंगे आपके डेफिनेटली। और पितृदोष की पूजा करा लीजिए, पितृदोष लगाया आपकी कुंडली के अंदर, पितृदोष की पूजा करा लीजिएगा, ये आपको ध्यान करना है आपको।